हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बांग्लादेश टी ट्वेंटी में जो आरएनआर आरके के बीच में जो फिनिस्ट मैच होने वाली है टी ट्वेंटी, उसका परफेक्ट ड्रीम इलेवन टीम फ्रेंड्स जो आपको मेगा कॉन्टेस्ट जिता सकती है फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मैं पहले ही इस टीम बना चुका हूँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आपको विकेट कीपर है फ्रेंड्स मुशफिकर रहमान को लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि खुशहाल पड़ेगा एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन फ्रेंड्स वो इतने अच्छे भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुश्फिकर रहमान हर बार अच्छे खेलते हैं फ्रेंड्स। और बॉलिंग बैटिंग डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स आपको ब्रायन मैकुलम को लेना है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ब्रायन मैकुलम एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है फ्रेंड्स, जो बहुत ही अच्छे खेलते हैं, जिसने संन्यास ले लिया है, पर फ्रेंड्स आपको ब्रायन मैकुलम को लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज के एक अच्छे प्लेयर है फ्रेंड्स, उसको लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स लैंडन सिमस बहुत अच्छे खेलते हैं टी ट्वेंटी भी, टेस्ट भी और वनडे में फ्रेंड्स, जो वेस्ट इंडीज का बैटिंग है फ्रेंड्स, बैट्समैन है सॉरी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो जैसन चार्ल्स को लेना फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आपको बैटिंग में उसके बाद फ्रेंड्स जॉनसन चार्ल्स को लेना है, जिन्होंने बहुत अच्छे खेलते हैं फ्रेंड्स टी ट्वेंटी और टी ट्वेंटी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ऑलराउंडर की जब बात आई फ्रेंड्स, तो आपको रोहित बाबर को मत लीजिए फ्रेंड्स, आप डैरेन सैमी को ले लीजिए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, डैरेन सैमी बहुत अच्छे खेलते हैं, वो भी वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप टीसारा परेरा को लीजिए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, टीसारा परेरा को डेविड विली से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप टीसारा परेरा को लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद बात आई फ्रेंड्स बॉलिंग। हाँ फ्रेंड्स, लसिथ मलिंगा बहुत अच्छे बॉलर है, जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, ये भी बुमराह जैसे, आपने लसिथ मलिंगा को लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स सैमुअल पद्री कंपलसरी है फ्रेंड्स, क्योंकि सैमुअल पद्री बहुत अच्छे स्पिनर है फ्रेंड्स, लेग स्पिनर, आपको सैमुअल पद्री को लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मोहम्मद शमी को लेना है, मोहम्मद शमी पाकिस्तानी बॉलर है, जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हसन अली। हाँ फ्रेंड्स, हसन अली बहुत एक यंगर बॉलर है फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं फ्रेंड्स, आपको हसन अली को लेना है फ्रेंड्स। अब बात आई फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो फ्रेंड्स आपको कैप्टन जॉनसन चार्ल्स को लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि जॉनसन चार्ल्स वेस्ट इंडीज में अभी के दौर में फ्रेंड्स सबसे अच्छे बैटिंग बैट्समैन है फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे बैटिंग करते हैं फ्रेंड्स। अब बात आई फ्रेंड्स वाइस कैप्टन, तो फ्रेंड्स वाइस कैप्टन सैमुअल बद्री को बनाए, क्योंकि सैमुअल बद्री बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं, वो तो कैसे ही फ्रेंड्स वो एक से दो विकेट गारंटी है लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, सही है ड्रीम इलेवन टीम जो आपको मेरे कॉन्टेक्ट जिता सकती है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स मेरे चैनल को।